एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको दो महत्वपूर्ण वर्ण, जिसमें एक कदम वंश है और एक कामरूप का वर्ण वंश है। देखो मैंने पहले भी इससे पहले एक दक्षिण भारत करके राजवंश प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसमें बहुत सारे वंश पढ़ाते हैं। मैं उतना ही डाटा पढ़ाता हूँ जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप ये मत देखना कि कम है, मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ, ट्रिक बहुत सरल है, आप बस देखते चलो। जैसे आप देखते हो कि बोले आजकल वनों की क्या आ रही है कमी, तो क्या ट्रिक बोलोगे? कम वन। का से क्या बना? कदम वंश। मा से क्या बना? मयूर शर्मा। वन से क्या बना? वनवासी राजधानी। मतलब क्या रहा एक लाइन में कैसे बोल सकते हो? फिर कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था और राजधानी वनवासी थी। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे देखते हैं कामरूप का वन वंश। जैसे आप किसी को बुलाते हो, बोले कम वमन पुष्प बुला, फूल बुला रहे हो, बोले क्यों चाहिए? बोले हमें प्राग में एक जो पालना रहता है, पाल की यात्रा बोला, बोले पालने में रख के चढ़ाना है। क्या कहोगे? कम बमन पुष्प ला, प्राग में पालने में रखकर उनको चढ़ाना है। कम बमन से क्या बना? कामरूप का वर्मन। पुष्य से क्या बना? पुष्य वर्मन इसकी प्रतिष्ठा का संस्थापक। प्राग से क्या बना? प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी। पाल से क्या बना? कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का ही एक अंग बन गया। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो मित्रों से, क्या कहोगे? कम्बल का से बना कदम वंश, मयूर शर्मन संस्थापक, वनवासी राजधानी। आगे कहोगे कामरूप का वर्मन वंश, बोले कम बमन पुष्यला, प्राग में पालने में चढ़ाना है। आगे बोलोगे चौथी शताब्दी में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ था, इसकी प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? पुष्य वर्मन। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का ही एक अंग बन गया था। दोस्तों ट्रिक पे फोकस किया करो और ट्रिक को महसूस करना है, आपको याद हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, अगर आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।